नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कंप्यूटर हिंदी नोट्स डॉट कॉम से। तो दोस्तों, अभी तक की वीडियो में हमने जाना कि जो फंक्शंस थे उनको हम कैसे यूज़ करते थे, और बहुत सारे टाइप के हमने फंक्शन को देखा, जैसे टेक्स्ट, मैथमेटिकल फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन और भी बहुत सारे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इफ़ फंक्शन के बारे में जानेंगे कि हम इफ़ फंक्शन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और यहाँ पर उसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको इफ फंक्शन के बारे में बता दूं। तो दोस्तों, इफ फंक्शन जो होता है उसमें हम कोई कंडीशन दे सकते हैं कि यदि ये कंडीशन जो है वो ट्रू होती है, हमने कोई भी डेटा इनपुट किया और यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये काम होना चाहिए, और यदि ये कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरा काम होना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल है समझने में, बस आपको इसका सिंटैक्स समझना होगा कि उससे आप क्या क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर चलते हैं हम सिंटैक्स की तरफ। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर इसका सिंटैक्स देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें इफ यूज़ करना है, उसके बाद ब्रैकेट में हमें सबसे पहले तो लॉजिकल टेस्ट लिखना है, यानी कि यहाँ पर अब हमें देना पड़ेगा कि कौन सा जो कंडीशन है वो यहाँ पर उसे चेक करेगा। तो यहाँ पर यदि वो ट्रू होती है तो कॉमा दे के आप उसकी एक वैल्यू दे सकते हो कि यदि ये ट्रू होती है तो क्या होना चाहिए, और कॉमा दे के यदि ये फॉल्स होती है तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू आपको देनी पड़ेंगी और इसके बाद आप ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हो। तो ये सिंपल सा सिंटैक्स आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकली यूज़ करके बताता हूँ कि हम इफ फंक्शन के इस्तेमाल किस किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स को लिखा हुआ है, अब हम इन्हीं पर जो है कंडीशंस को अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने 50 से ऊपर और 50 से नीचे जो नंबर्स हैं उनको लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ पर 50 से नीचे और 50 से ऊपर के जो नंबर्स हैं उनके लिए इफ फंक्शन इस्तेमाल करूँगा कि यदि जो 50 से नीचे के नंबर्स हैं उनमें लो लिखा है और जो 50 से ऊपर नंबर हैं उनमें हाई लिखा है। तो यहाँ पर मैं कैसे उसे इस्तेमाल करूँगा, तो यहाँ पर हम इज इक्वल टू लिखेंगे, इसके बाद हम इफ यूज़ करेंगे, अब मैं ब्रैकेट लगा दूंगा। अब हमें जो है वो टेस्ट लिखना है कि जो टेस्ट है वो क्या यहाँ पर फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक वैल्यू दे देता हूँ, जैसे कि मैंने फर्स्ट जो वैल्यू है उसको बता दिया है कि ये जो वैल्यू है यदि वो 50 से नीचे होती है तो हमें कोई फंक्शन को यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर मैं इसे दे देता हूँ कि यदि ये बिलो होती है 50 से, आपको डायरेक्ट यहाँ पर मैथमेटिकल फंक्शन जो सिंबल्स हैं उनको यूज़ करके यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आप कॉमा लगाओगे, और यहाँ पर यदि ये वैल्यू ट्रू हो जाती है तो यहाँ पर क्या लिखा आना चाहिए, तो यहाँ पर लिखा आना चाहिए लो। यदि ये जो फंक्शन है वो काम करता है, यानी कि जो वैल्यू है वो 50 से कम है, तो यहाँ पर लो लिखा आना चाहिए। लेकिन ये जो मैंने लो लिखा हुआ है ये एक लेटर है, यानी कि यहाँ पर जो है अल्फाबेटिकल वैल्यू लिखी हुई है, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट नहीं लिख सकता। यहाँ पर मुझे जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है वो लगाने पड़ेंगे, वरना जो है हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पर वैल्यू लिखी आनी चाहिए लो। और यदि ये रॉन्ग होता है, यानी कि जो वैल्यू है वो 50 से ऊपर निकलती है, तो यहाँ पर क्या लिखाना चाहिए, तो यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊंगा सबसे पहले। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा हाई, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू 50 से ऊपर हो जाएगी वो उनको यहाँ पर हाई लिखा आ जाएगा। तो अब मैं ब्रैकेट को करूंगा क्लोज और यहाँ पर मैं एंटर को प्रेस कर दूंगा। तो आप देख पा रहे हो इसने लो लिख दिया है, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो 50 से नीचे है। और यदि मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ, आप देख पा रहे हो मैं इसे ड्रैग कर सकता हूँ, तो आप देख पाओगे जो भी वैल्यू 50 से ऊपर थी उसके आगे हाई लिखा आ गया है, और जो भी 50 से नीचे थी उनके आगे लो लिखा आ गया है। अब मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि इसने क्या जो काम है वो किया है। जैसे कि हम इस फंक्शन को चेक करना चाहते हैं, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, आप देख पा रहे हो फंक्शन जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर उसने पहले वैल्यू ली है 60, फिर उसने चेक किया है क्या ये वैल्यू इस कंडीशन पर ट्रू होती है या फिर फॉल्स। तो ये वैल्यू तो इस कंडीशन पर फॉल्स होती है, तो यदि ये वैल्यू ट्रू होती है तो यहाँ पर लो लिखा आना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर लो नहीं लिखा है, क्योंकि ये फॉल्स है, इसलिए हमने जो बाद में जो भी वर्ड दिया है इसने उस वर्ड को यहाँ पर टाइप कर दिया है। तो इस तरीके से जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं आपको एक और यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अब कुछ नंबर टाइप कर दिए हैं, और अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन लगाना चाहता हूँ कि जो भी नंबर्स 33 से कम हो उनके आगे फेल लिखा आ जाए, और जो भी नंबर्स 33 से ज़्यादा हो उनके आगे पास लिखा आ जाए।
अब मैं ये फंक्शन यहाँ पर दो तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं आपको दोनों तरीके यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो मैं इसी डेटा को कॉपी करके एक और रो में पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मैं सबसे पहले आपको 33 से ऊपर के लिए यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कैसे आप 33 से ऊपर जो है कंडीशन देकर यहाँ पर इफ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकोगे। तो यहाँ पर मैंने इज इक्वल टू लिखा, फिर मैंने इफ लिखा, ब्रैकेट लगाया। अब मैं यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट जो है वो दे दूंगा कि ये जो वैल्यू है वो यदि 33 से ऊपर होती है तो क्या करना है। तो यहाँ पर ये वैल्यू 33 से ऊपर ही है, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ कि जो वैल्यू है 33 से ज्यादा होनी चाहिए। इसके बाद मैं कॉमा लगा दूंगा, यदि ये वैल्यू ट्रू होती है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो है पास लिखा जाना चाहिए। और उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा, यदि ये वैल्यू फॉल्स होती है तो यहाँ पर फेल लिखा आना चाहिए। और इसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगा। आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर पास लिखा आ गया है। अब यदि मैं इसी को यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ तो सारे जो ऑप्शन है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। अभी हमने फंक्शन जो है 33 से ज्यादा की वैल्यू के लिए लगाया था, अब मैं यहाँ पर 33 से कम की वैल्यू के लिए आपको लगाकर बता देता हूँ। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने इज इक्वल टू लिखा, इफ मैंने इस्तेमाल किया। यहाँ पर सबसे पहले हम लॉजिकल टेस्ट में दे देंगे कि ये जो वैल्यू है वो यदि 33 से कम हो, तो इस बार हम 33 से कम यहाँ पर जो फंक्शन है वो दे देते हैं। इसके बाद हम यदि ये वैल्यू ट्रू होती है तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो है फेल लिखा आना चाहिए। और यदि ये फॉल्स होती है तो क्या होगा, तो यहाँ पर पास लिखा आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने फंक्शन को यूज़ कर लिया है। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा और अब इसी फंक्शन को मैं ऊपर और नीचे ड्रैग कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने ऊपर ड्रैग कर दिया और मैं इसे नीचे भी ट्रैक कर देता हूँ। आप देख पा रहे हो रिजल्ट जो है वो हमारे सामने दोनों में सेम आया है, बस फर्क यहाँ पर इतना है, इसमें हमने 33 से ज्यादा के लिए जो फंक्शन है उसका इस्तेमाल किया था और यहाँ पर जो है हमने 33 से कम के लिए फंक्शन का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। तो दोस्तों आप इस तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल करोगे कि यदि जो है वैल्यू 33 से ज्यादा होती है या कम होती है। तो ये तो हमने देख लिया कि टेक्स्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पर। यदि अब हमें यहाँ पर नंबर देना है, जैसे कि मैं इसे डिलीट कर देता हूं, अब हम यही चाहते हैं कि जो वैल्यू 33 से ज्यादा है उनमें यहां पर 1 लिखा आ जाए और जो वैल्यू 33 से कम है उसके आगे यहां पर 0 लिखा आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर मैं इज इक्वल टू लिखूंगा, मैं इफ जो है उसे यूज करूंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा, लॉजिकल टेस्ट हमें देना है तो यहां पर हम वैल्यू दे देंगे और उसके बाद हम दे देंगे यदि ये वैल्यू 33 से ज्यादा है। तो यहाँ यदि ये वैल्यू 33 से ज्यादा है तो 1 लिखा आना चाहिए, लेकिन अब हम इस बार इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम नॉर्मली यहाँ पर 1 दे सकते हैं और जो हमारा एक्सेल है वो उसे एज इट इज 1 ही समझेगा। यदि हम यहाँ पर कोई भी अल्फाबेट दे देते हैं तो वो उसे समझ नहीं पाता है। इसके बाद मैं कॉमा दे के यहाँ पर 0 लिख दूंगा और ब्रैकेट क्लोज करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। आप देख पा रहे हो ये वैल्यू 33 से ज्यादा थी तो इसने यहाँ पर 1 लिख दिया है, और मैं इसी को ड्रैग कर देता हूँ तो आप देख पाओगे जो वैल्यूज 33 से कम थी उसके आगे इसने 0 जो है वो लिख दिया है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि कैसे जो है हम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करके किसी भी वैल्यू के आगे अपना जो भी कंटेंट है वो दिखा सकते हैं, चाहे हमें लो दिखाना हो, हाई दिखाना हो, पास फेल 0 1, जो भी हम चाहें वो हम उसे कंडीशन के तौर पर दिखा सकते हैं। अब आप यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इफ फंक्शन के बारे में ही, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे तरीके होते हैं कि हम इफ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ और यूनिक तरीके हैं जिनके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। सो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।